जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, पैगाम मोहब्बत है। सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। तुमको अपनी मदहोशी की सजा मिल ही गई जिगर, निकाल दिया ना तुम्हें नसीम ने। अब किस दर पे जाओगे? हमारी चंद अदाएं देखकर ही आप काफिया पैमाई करने लगे। सोच लीजिए मियाँ, कहीं आपका काफिया तंग ना हो जाए। हराम करने वाले की हमारे घर में कोई गुंजाइश नहीं। एक मैं हूँ और तूफान हवादिस ए जिगर, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूं मैं। जिगर जी, तुमने दिल तोड़ दिया हमारा, धोखा दिया है हमें। तुम्हारे अखलाक, हमदर्दी, इंसानियत की तमाम आला सिफात, सब अच्छाइयों पर तुम्हारी मैख्वारी ने खाक डाल दी। असगर का सर शर्म से झुक गया है नसीम के सामने, लाजवाब हो गए हैं हम। क्या जवाब दें, क्या जवाब दें उसे? अरे और कोई औरत होती तो तुम्हारी आवारगी को बर्दाश्त कर लेती। जी हाँ, हमारी सोबत में पली बड़ी है नसीम, हमारे यहाँ हराम की कोई गुंजाइश नहीं जिगर। असगर साहब, हमने माफी मांगी थी नसीम से, माफ नहीं किया उन्होंने। कुछ कह भी तो नहीं सकते हम नसीम से, हमारी बेगम को भी बहुत सदमा है जिगर जी। पता नहीं इस सदमे से उभर पाएंगी भी या नहीं। सिर्फ दुआएं रह गई हैं बाकी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। खाकसार, तामीले हुक्म का वायदा करता है असगर साहब। आप तलाक दे दें नसीम को। तलाक नसीम को? हाँ, तलाक। या खुदा, अभी और इसी वक्त नसीम से जुदा होकर या तो तुम संभल गए या फिर खुदा ना करे बर्बाद हो गए साहब। लेकिन जिगर, तुम्हारी बर्बादी का सबसे ज्यादा सदमा हमें होगा। एक सुतून गिर जाएगा उर्दू शायरी का। असगर साहब, दुनिया की नजरों में तुम कितने ही गुनाहगार सही, हमारी नजरों में आज भी मासूम हो जिगर। हमें यकीन है जिगर, एक दिन तुम शराब छोड़ दोगे जी, खत्म हो जाएंगी तुम्हारी आवारगियां। घर लुटने के बाद अगर होश भी आया तो किधर जाएंगे असगर साहब? आप घर लौट सकते हैं जी, हमने और हमारी बेगम ने बाहमी रजामंदी से फैसला कर लिया है जी।
हम बेगम को तलाक देकर क्या कहा नसीम से शादी कर लेंगे। असगर साहब इतना सख्त फैसला। नसीम को सरपरस्त की जरूरत है, बेगम बीमार हैं। जब आप होश में आ जाएं तो आ जाइएगा हमारे पास, दरवाजा खुला मिलेगा हमारा, हम फिर भी नसीम की शादी तुमसे कर देंगे। हुजूर जिल्लत की जिंदगी कैसे जी पाएगा जिगर अब। जिंदा दिल मर्द सख्त से सख्त हालात में जिंदा रह जाते हैं। जहां रहो हमें खत के जरिए याद करते रहना जिगर जी। अगर तुम्हारी खैरियत नहीं मिली तो हम भी हम अल्लाह हाफिज जिगर अल्लाह। अच्छा हुआ आप अलीगढ़ आ गए जी, और ये भी अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट आपको जानता है। आप उनके महबूब शायर हैं ना जी। मेरे और आपके ताल्लुकात को भी जानते हैं ये बच्चे, इसीलिए तो आपको यहाँ ले आते हैं जी। रशीद साहब हमारे हाल पर आपकी मेहरबानियों को सभी जानते हैं। हमें असगर साहब के खत से सारे हालात मालूम हो चुके हैं। बहुत अफसोस हुआ, जो होना था सो हो चुका जी। जनाब आप असगर साहब को खत जरूर लिख दें, बेहतर है। वो परेशान है आपकी वजह से और हमारी इजाजत के बगैर आप अलीगढ़ से बाहर न जाएं। जी जी। वैसे हमने तमाम स्टूडेंट को कह दिया है वो आपको कहीं बाहर नहीं जाने दें। आदाब रशीद साहब, आप जिगर साहब हैं ना जी? आदाब। आपने सही पहचाना डॉक्टर। जिगर साहब जी आप डॉक्टर जाफरी हैं। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर जाफरी मैंने जिगर साहब के जनरल चेकअप के लिए ही आपको सहमत दी है। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रशीद साहब। खुदा करे आप ठीक ही रहें, हमने अपनी तसल्ली के लिए बुलाया है डॉक्टर जाफरी को। जी बेहतर। आपके मैले कपड़े धोबी को दे दिए हैं। अच्छा, आपकी नकदी हमने अपनी जेब में डाल ली है। आप इनका चेकअप कीजिए जाफरी साहब, हम चाय का एहतमाम करते हैं। आप जिगर साहब का बड़ा ख्याल करते हैं। यही तो मुश्किल है जाफरी साहब, सब ख्याल रखते हैं हमारा, और जिगर जिगर अपना ख्याल खुद नहीं रखता। चेकअप तो कर लीजिए डॉक्टर, लेकिन इतना जान लीजिए हमारा जिस्म नहीं रूह घायल है, सोच समझ कर दवा तजवीज कीजिएगा। अरे यार मंटो। हाँ जिगर। बड़ा अच्छा हुआ तू आ गया। ओहो खुमार साहब भी हैं, और आप मिस्टर स्वामी नाथन नाम है इनका। अच्छा, अच्छा। आपके चाहने वाले हैं। ओ। मुंबई में रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में शिमले के मुशायरे में सुना था आपको, बस उसी दिन से आपके शहदाई बन गए। सैकड़ों शेर याद हैं इन्हें आपके, और मजे की बात यह है उर्दू जानते भी नहीं। अच्छा। सारे शेर अंग्रेजी में लिखे हैं इनकी डायरी में। माशाल्लाह, खुश किस्मती है हमारी मंटो। शायरी का यही तो फायदा है जिगर। हमारे अफसानों का एक डायलॉग भी याद नहीं होगा किसी को, और शायर की पूरी पूरी गजलें याद कर लेते हैं लोग। हमें तो तेरी लिखी कहानी टोबा टेक सिंह बहुत पसंद है। और वो काली शलवार, अरे भाई उसमें तो तुमने बड़ी शरारतें की हैं कहानी में। अच्छा ये तो बता भाई, ताशवाश भी लाया या नहीं? ताश नहीं, बोतल लाया हूँ, बोतल। वाह, बोतल भी लाए तो मस्जिद में। रशीद साहब के घर तो मैं पी नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, यूनिवर्सिटी के लड़कों की पहरेदारी में हूँ आजकल। बस ताश की हद तक जायज है यार, बहुत दिन हो गए रमी खेले हुए। ताश तो आ जाएगा जिगर साहब, पहले हमारे बम्बई से आने का मकसद तो सुन लीजिए। जी फरमाइए खुमार साहब, क्या मकसद है आपके आने का? बम्बई के प्रोड्यूसर जेबी वाडिया साहब को बड़े बड़े आर्टिस्टों की जिंदगी पर फिल्म बनाने का शौक है। अच्छा। मंटो पर भी फिल्म बना चुके हैं। अरे यार सीधी सी बात करो, तुम्हें बम्बई चलना है हमारे साथ,
हमने वायदा कर लिया है तुम्हें लाने का। हम दीवाने हो गए मंटू, हैं? भाई हमारा फिल्म वालों से भला क्या ताल्लुक? आपसे कम है दीवाने जिगर साहब, बगैर पिए नशा नहीं चढ़ता है हमें। बम्बई चलना है और कल ही चलना है, समझे? देखा जाएगा यार, अभी रात बाकी है। माफ करना स्वामी नाथम साहब, यारों से मिलने की खुशी में आपसे मुखातिब ही नहीं हो सके। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपको हमारी शायरी पसंद है। जिगर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अगर आप कहें तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ, ज़रूर पूछिए। हमें मुशायरे सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती जिगर साहब। क्या? हम सोचते हैं क्या गजल का जीवन की तरंगों से रिश्ता टूट चुका है? मैं समझा नहीं नाथम साहब। शायरों को सुनकर हमने महसूस किया है गजल में अपने जीवन का रोना वही शायर रोते हैं जो सारी उम्र गुजरने के बाद भी कभी बालिग नहीं हो पाते। क्या बात फरमा रहे हैं आप नाथम साहब, और कीजिए मंटो साहब। हमारे हिसाब से रोना धोना जुदाई इस सब के अलावा भी शायरी में और भी कुछ होना चाहिए। सुन रहे हो मंटू साहब? जी जी। क्या उम्दा तज्जिया किया है आज की शायरी पर। वाह भाई वाह। स्वामी नाथन साहब सोचने समझने वाले आदमी हैं जिगर साहब। ठीक फरमा रहे हैं आप खुमार साहब। गैर उर्दू वालों की नजर से भी हमें उर्दू शायरी का जायजा लेना चाहिए। बहुत पते की बात कही है नाथन साहब आपने। मैं लोगों के दरमियान रोने पीटने को बेहद नापसंद करता हूं। जी। अरे साहब, रो पीट कर सामाईन की हमदर्दी हासिल करने की जरूरत भी क्या है? अरे भाई, खुलूस पैदा कीजिए। अपनी मुसीबतें दूसरों पर क्यों लादते हैं आप? जी, बिल्कुल सही। नाथम साहब, इंसान को खुददार होना चाहिए, खुदगर्ज नहीं। हम भी यही चाहते हैं जिगर साहब, इंसान को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये नए ताशी गड्डी तेरा मातम कर रही है यार। अच्छा। सालों गुजर गए तेरे साथ खेले हुए। आ यार स्वामी, इधर बैठो, तुम बांटोगे खुमार। हाँ, लगा के लाए होगे। ये ऐसा करिए, पत्ते मुझे लाइए। चोटे को चोटता ही नजर आता है, ले बांट। आपकी अहलिया के इंतकाल की खबर सुनकर अफसोस हुआ असगर साहब। अजी, जिन हालात में इंतकाल हुआ है हमें इसका अफसोस है। वो नसीम की तलाक के सदमे को भूल नहीं पाई। हमसे भी ये वायदा कर लिया कि हम नसीम से निकाह कर लें। मजबूर हो गए थे हम मुखलिस। आखिर नसीम जाती भी कहाँ? कुछ जिगर का पता है? कई महीने पहले आए थे, 15 दिन रहे, बहुत उदास थे, कोई शेर भी नहीं सुनाया। हमने शराब पेश की तो बोले, इस कमबख्त को हमारे सामने से हटा दो, इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है जिगर ने शराब छोड़ दी, हमारी दुआ कबूल हुई। बगैर इत्तला किए कहीं चले गए, सारा सामान भी छोड़ गए। भाई, अगर मुमकिन हो तो जिगर को इत्तला कराइए, उससे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मैं खुद चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। बड़ा एहसान होगा आपका, हम बहुत बेचैन हैं जिगर के लिए। शायद जिगर के आने से कुछ संभल जाए तबीयत। अजब बेचैनी है मियाँ। जिगर से कहना मैं तेरा मुंतजिर हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी, आ गया। खोल अपना रेडियो। ये खबर तो तुझे रेडियो पर भी नहीं मिलेगी गुंडू। अल्लाह कसम, मालूम है कुछ? जिगर साहब को तलाक हो गया। अबे क्या वक्ता रहता है, जिगर साहब को तलाक हो गया या जिगर साहब ने तलाक दे दी? दे दी या ले ली, बात एक ही है। अबे क्या ऑल फॉल वक्ता रहता है, पहले शादी की खबर दी और फिर तलाक का किस्सा। मियाँ, शादी के बाद ही तो होती है तलाक। एक खबर और सुन, असगर साहब की बीवी का इंतकाल हो गया। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर यार एक बात बता, ये तलाक की नौबत क्यों आ गई?
अरे भैये, जिगर साहब यहाँ से जाकर गलत सोबत में पड़ गए थे, शराब और शबाब के चक्कर में। अच्छा? मगर मगर क्या? मगर जिगर साहब की शायरी और निखर गई, हिंदुस्तान के गिने चुने शायरों में उनकी गिनती होने लगी। ये तो मैं भी जानता हूँ, और जानता क्या हूँ यार, मैं तो जिगर साहब का दिलदादा हो गया हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ये बता, आजकल कहाँ है जिगर साहब? सुना है गोंडा में, फिर अलीगढ़, और अलीगढ़ से रामपुर, शायद अब रामपुर से मसूरी जाने वाले हैं। वाह यार वाह, आने वाले कल का प्रोग्राम भी तुझे मालूम है? और आने वाले कल के बाद का भी यार। क्या मतलब? मतलब उसके बाद बंबई फिर से जा सकते हैं। फिर से? क्या मतलब? अबे पट्टे, बंबई में फिल्म वाले उनकी गजलों के दीवाने हो गए हैं। अबे ये कोई खबर वबर नहीं हुई। अच्छा, ये तो हमें भी मालूम है, और तेरी सब खबरों से बड़ी खबर और सबसे अहम खबर हमारे पास है। कौन सी? हाँ, जिगर साहब ने शराब छोड़ दी। अच्छा? हाँ, और अब तू अपना पिटारा बंद कर और घर जा। हाँ बेटी। डैडी, हमीद अंकल कितना अच्छा गाते हैं। हाँ बेटी, हमीद अंकल बहुत अच्छा गाते हैं। हमीद अंकल तो जाग ही गए हैं। बेटी देखो, जिगर साहब भी बेदार हो गए होंगे, जाइए उन्हें चाय दे आइए। जी बहुत बेहतर। शायद जिगर साहब जाग गए। हमीद अंकल कहिए ना। ये क्या किया मैंने? शायद जिगर साहब जाग चुके हैं। जी हाँ, आपका गाना सुनकर रो रहे हैं। बहुत बुरा हुआ ये तो। हमसे कहलवाया है कि अंकल आप गाते रहें। ये तो हमने बहुत बुरा किया। जिगर साहब हमारी वजह से जाग गए, कोई बात नहीं, माफी मांग लेते हैं उनसे चलकर। मियां हमीद, हम खुद ही हाजिर हो गए। जी जी भाई, बड़ा गजब किया आपने, गाना बंद कर दिया। कोई ऐसी खास बात नहीं। गाना सुनकर कैसे हसीन शबिस्तान में खो गए थे हम। वाह वाह वाह, कैसी नादान पेशेमानी है। आई बयार में सोए गई अंगना, सैया द्वारे से फिर गए, हाय राम, कैसा दर्द और अफसोस छुपा है इन बोलों में। फिर गाइए हमीद साहब, फिर गाइए। जी बेहतर हुजूर। आई बया मैं सोए गई अंगना। क्या मामला है जिगर साहब? लगता है हमारे यहाँ आपको नींद बहुत अच्छी आई है, बड़े सुरूर में मालूम देते हैं हुजूर। सही फरमा रहे हैं इस्तीफा खान साहब, आपके घर की गुनगुनाहट सुन रहा हूं। मसूरी की ठंडी ठंडी हवाएं और ये लोग गीतों के बोल, वाह 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 वाह। खान साहब, आपने कुछ गौर फरमाया इन बोलों पर? वाकई बड़ा दर्द है इन बोलों में। पता नहीं खान साहब, ये लोक गीत है ठुमरी या दादरे की आस्ताई, जज्बात की सदाकत, लहजे का ये धीमापन भाई हमारे गजलों में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे महजब समाज का शायर नाआशना है इन देहाती लहजे से, बहुत दूर है देहात की सादा जिंदगी से, क्योंकि गजल की परवरिश
देहात में नहीं हुई। देहात के लोग गीतों की सादगी गजल में कहां? क्या उम्दा बात कही है खान साहब। गौर कीजिए अमीर साहब, हमारी गजल की महजब जमान देहाती लहजे की सादगी और सच्चे जज्बात से नाआशना है। दूसरों को दिखाने के लिए हम जरबफ्त के कफन ओढ़े फिरते हैं और हमने सन्नाई, कारीगरी और मुलम्मा साजी के चक्कर में बेअसर, बिल्कुल बेअसर बना लिया है गजल को। वाह, क्या असर है इन बोलों में। आई बयार मैं सोए गई अंगना, सैया द्वारे से फिर गयो, हाय राम। गाओ हमीद मियां, गाओ एक बार और गाओ भाई। वाह वाह। आई बया मैं सोए गई अंगना, सैया द्वारे से फिर गयो, हाय राम। सोचो तो हमीद, महबूब के इंतजार में रात भर जागती आंखें बादे नसीम के झोंकों से बंद हो गईं। महबूब सबकी नजरों से बचकर मिलने आया और माशूक को सोता हुआ देखकर लौट गया। कितना उदास होगा वो, और जब महबूब की आंख खुली कितनी पेशेमां हुई होगी वो। वाह मियां वाह, वसल और हिजर के इन बोलों ने हमें नसीम की याद दिला दी। इस्तेफा खान साहब, दुआ कीजिए हम नसीम को फिर से पा सकें। हमारी दुआएं तो हमेशा से आपके साथ हैं जिगर साहब। अल्लाह करे वसल की वो घड़ी आपकी जिंदगी में फिर आए। वाकई नसीम, हम आपको मर कर भी नहीं बुला पाएंगे। आप तो हमारी जाने गजल हैं, हमारी गजल को आपका इंतजार है। खुदा जाने मोहब्बत कौन सी मंजिल को कहते हैं, न जिसकी इब्तिदा ही है न जिसकी इंतहा ही है। नसीम, तुम हमें माफ करो या ना करो, हमें असगर साहब से बहुत शर्मिंदगी है। हमने सुना है कि वो बीमार हैं, लेकिन किस मुंह से जाएंगे उनके पास। दिल रोता है, भूलना हमारी आदत नहीं और जा भी नहीं सकते। अल्लाह, अच्छा बेकसी का आलम है, सबको हम भूल गए जोश जुनू में, लेकिन एक तेरी याद थी ऐसी जो भुलाई न गई। जाने उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है
मेरा पैगाम मोहब्बत है।